गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित भारतेंदु युग के निबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न BA में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग के लेखकों को जितनी प्रसिद्धि या सफलता नाटक एवं कविता लिखकर नहीं मिली, उससे अधिक उन्हें निबंध की रचना में उन्हें मिला। यानी कहने का मतलब कि भारतेंदु युग के समय जितने भी नाटक कविता लिखे गए, लेकिन समकालीन लेखकों को ज्यादा प्रसिद्धि उन्हें नाटक और कविता में नहीं मिली, बल्कि उन्हें निबंध लिखने में मिली। यही कारण है कि स्वयं भारतेंदु ने अद्भुत अद्भुत स्वप्न लिखा। भारतेंदु ने स्वयं अद्भुत स्वप्न लिखा, जबकि राधाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा लिखी, जबकि प्रताप नारायण मिश्र ने आप नामक निबंध लिखी। इस काल के प्रमुख प्रवृत्तियां जो हमको देखने को मिलती है, उसमें पहला प्रवृत्ति हमको सामाजिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिस पर अधिकांश निबंध लिखे गए। यानी इस काल के जितने भी निबंधकार थे, उन्होंने समाज में फैले हुए कुरीतियां, अंधविश्वास, छुआछूत, पर्दापट्टा जैसे तमाम विषयों को अपने निबंध का विषय बनाया और इस पर बहुत सारी निबंध लिखे। और भारतेंदु जी ने स्वयं राजा भोज का सपना लिखा, जबकि जिसमें राजा जो है, राजा एक स्वप्न में, राजा भोज एक स्वप्न देखता है, उसमें वह अहंकार महसूस करता है और अपने राज्य के तीन पंडितों को बुलाता है और उससे संबंधित वह मुक्ति का मार्ग उनसे पूछता है, लेकिन तीनों पंडित उन्हें इस मुक्ति के बारे में बता पाने में असमर्थ रहते हैं। जब उसी पंडित के साथ एक साधारण व्यक्ति भी आता है, जो राजा को कहता है कि हुजूर, जीवन में जो कुछ भी मिलना है, यदि स्वयं के प्रयास से ही हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यानी इस नाटक के का प्रभाव हमारे पाठकों के हृदय पर बहुत ज्यादा पड़ता है। राजनीतिक प्रवृत्तियां इस काल में कई ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने निबंध लिखे और अंग्रेजों के काली करतूतों को उन्होंने अपने निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया। जबकि अंग्रेज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और बातें करते भी नहीं थे, बल्कि शब्द समाज का दावा भी करते थे। इसी कड़ी में बाल मुकुंद गुप्त पर लिखी गई एक निबंध है, शिव शंभु का चिट्ठा। शिव शंभु का चिट्ठा में भी बालमुकुंद गुप्त जी ने अंग्रेजों की पोल खोली और बताया कि यहाँ गंभीर समस्याओं में अंग्रेज किस तरह से चुप्पी साध लेते थे, खासकर जब यहाँ पर अकाल जैसी समस्या आती थी। और उस दौरान कई ऐसे भारतीय गांव के गांव मर जाते थे, यानी उनकी संवेदनहीनता का ही परिचय है। इसलिए उनकी सच्चाई को पोल खोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने राधाचरण गोस्वामी जो हैं, जो राजनीति में उग्र विचारों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, उन्होंने यमलोक की यात्रा
यमलोक की यात्रा को उन्होंने जन साहित्य का अच्छा उदाहरण मिलता है। भारतेंदु जी ने भी एक अद्भुत अद्भुत अपूर्व श्लोक में भी गंभीर शैली का हमें दर्शन दिखाई देता है, जबकि बालकृष्ण भट्ट ने भी अकाल और टैक्स जैसे मुद्दों को विषय बनाया और भारत और यूरोप से उसकी तुलना की। और पहली बार एक ऐसे लेखक है जो तुलनात्मक रूप से निबंध लिखने का प्रयास किया, उसमें प्रमुख स्थान बालकृष्ण भट्ट को जाता है। इसके अलावा इस काल में हमें जो जो प्रमुख प्रवृत्ति मिलती है आर्थिक समस्याओं, क्योंकि इस काल के दो ऐसे लेखक जिसमें राधाचरण गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े थे, कई सम्मेलनों में जो भाग भी लेते थे और एक आंदोलन के रूप में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाने का प्रयास किया। खुद प्रताप नारायण मिश्र ने स्वदेशी से प्रेरित होकर देशी कपड़ा नामक एक निबंध लिखा, देशी कपड़ा या प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करें और स्वयं भी आम जनता के बीच जा जाकर इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे। लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम ही पड़ा, क्योंकि स्वदेशी कपड़े काफी महंगे होने के कारण आम लोग इसका प्रयोग कम करते थे। इसलिए इस काल के जो कवि थे या लेखक थे, उन्होंने स्वदेशी को एक आंदोलन के रूप में चलाया और उसे सफलता आगे चलकर इस पर कई ऐसे आंदोलन चलाए भी गए, इसका प्रभाव आज के लेखकों पर भी पड़ा। इसके बाद इस काल में मनोरंजन से संबंधित प्रवृत्ति हमको देखती है, क्योंकि इस युग के निबंधकारों ने मनोरंजन शैली में बहुत सारी रचनाएं की। स्वयं भारतेंदु जी वर्णाश्रम धर्म के पोषक थे, लेकिन उन्होंने नए विचारों और प्रतिभा को पहचानने में पीछे नहीं हटे। भारतेंदु जी रोचक और निबंध उन्होंने प्रस्तुत किए जिसमें स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, उसके साथ ही ग्रामीण बोलियों को महावरों को अपने निबंध का विषय बनाया, ताकि मनोरंजन को और व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। यानी भारतेंदु जी ने स्वयं स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में बोली क्षेत्रीय बोली मुहावरों का प्रयोग किया, जिससे विचार को और प्रभावी और मनोरंजन पूर्व बनाया जा सके। इस तरह से अगला जो प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है वो हास्य और व्यंग। हास्य व्यंग इस काल के निबंधों की प्रमुख शैली रही है, जिसमें एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न में हास्य शैली में लिखा गया है और राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखित यमलोक की यात्रा में एक राजा जो है इससे पूर्व दो स्वप्न देखा है, उसके बाद तीसरे स्वप्न में वो पहले दो स्वप्नों से लंबा है, उसके दमन सामाजिक बुराइयों और प्रेरित किया है। उन्होंने सामाजिक और राज्यों के दमन प्रवृत्ति को उजागर किया है। अंग्रेजी सरकार थी वो पहले सामाजिक रूप से लोगों को दमित करती थी, प्रताड़ित करती थी, उसको उन्होंने अपने इस निबंध में स्वर की यानी अमलोक की यात्रा में
उन्होंने उतारा है। इसके अलावा इस काल की जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है वो निबंध की निबंध का स्वर वैशिष्ट है। इस काल के जो निबंध हमें मिलते हैं उसमें हंसी भी है, कभी व्यंग भी है, कभी चिकोटी काटने जैसी प्रवृत्ति है, कभी हर्ष से भरकर भी बातें कही गई है। यानी कुल मिलाकर इस युग के निबंधकार जो थे उन्होंने हर टाइप के हर दृष्टिकोण को लिए हुए अपने निबंध को लिखा। और इस काल के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु जी, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, प्रताप नारायण मिश्र, द्वारा लिखित निबंध आप और देशी कपड़ा, राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखित हम लोग की यात्रा, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित निबंध, शिव शंभु का चिट्ठा, शिव शंभु का चिट्ठा और गुप्त निबंधावली, और क्या कहते हैं बाल कृष्ण भट्ट द्वारा भी कई निबंध लिखे गए। ये सारे निबंध उस समय के काफी चर्चित भी रहे और प्रसिद्ध भी रहे, जिसका प्रभाव पाठकों पर बहुत ही गहरा पड़ा। धन्यवाद।